मेजा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खबर प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवड़िया गांव में एक युवक ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें पूरा मामला में बेजा के निवड़िया गांव की है, जहां मनोज कुमार भारतीय पुत्र स्वामी शरण ने 28 सितंबर को रात में दरवाजा बंद कर फांसी के फंदे से लटक गया। वहीं सुबह होने पर 9 बजे तक मनोज अपना दरवाजा नहीं खोला तो घर के वालों ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दिया, पर आवाज अंदर से कोई भी नहीं आई। फिर घर वालों के परिजन ने सीढ़ी के सहारे पीछे के जंगले से देखा तो मनोज फांसी के फंदे पर लटका दिखा। वहीं घर वालों ने तुरंत मनोज के ससुराल वालों और पुलिस को सूचना दिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मनोज की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। मनोज की शादी किरण देवी से 4 वर्ष पहले हुई थी। मनोज 2 वर्ष की बेटी है। फिलहाल मनोज ने घटना स्थल पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। मनोज अपने जीवन यापन के लिए सूरत के सूरत में किसी निजी केमिकल कंपनी में काम करता था। मनोज सूरत में 1 सप्ताह पहले घर आया था। वहीं घर वालों का कहना है कि मनोज जब से घर आया हुआ है किसी बात को लेकर परेशान था। वहीं मनोज की पत्नी और घर वालों का कहना है कि मनोज की सूरत में किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। जो आपके यहाँ ये घटना हुई है, इसको इसका पता आपको कैसे चला, कैसे मालूम चला आपको? हमारे पिता ने फोन लगाया कि आओ यहाँ पर फांसी लगा लिया है, अभी किवाड़ नहीं खुली है, पुलिस ने आया। हमने उसके मोबाइल पर फोन लगाया तो एक औरत बोली, बेटी तुम फोन मत लगा, मनोज ने दूसरी शादी कर लिया है, तभी मैं फोन नहीं लगाई। तो ये कौन बोला था कि बेटी आप फोन मत उठाइए, दूसरी मनोज शादी कर लिए हैं? ये सूरत की लड़की हो। अच्छा, मतलब वो कहाँ रहते थे आपके पति? सूरत में। सूरत में क्या करते थे? केमिकल वाला काम। केमिकल कंपनी में काम करते थे। आपके क्या नाम है? किरण। आपके कितने बच्चे हैं? एक।